Hello students, today we will discuss the next few paras of the chapter when the guavas arrive. अभी तक हमने देखा कि जो रंजी था वो ऑर्चर्ड में जाता है, ठीक है, गुआवाज ऑर्चर्ड में जाता है, वहाँ पर पेड़ पर चढ़ता है और अभी हाथ बढ़ाता है आगे कुछ मतलब राइपिन गुआवास को तोड़ने के लिए, तभी अचानक से एक लड़की का पैर उसके हाथ में आ जाता है और उसे खींचता है, दोनों लुढ़कते हुए गिरते नीचे। फिर उस लड़की का नाम अचानक से उसको पता चलता है कि ये तो कोकी है, ठीक है, उसे पहचानता है, फिर उसको उसे डांटती है, दोनों झगड़ा करते हैं, फिर किसी पेड़ पर चढ़ते हैं, दो अलग अलग पेड़ पर चूज़ कर देते हैं, दोनों चढ़ते हैं और खाते हैं। फिर कुछ देर बाद कोकी का पेट भर जाता है, चुभने लगता है, तो उसे घर जाते हैं, दोनों वापस घर जाते हैं। नेक्स्ट डे कोकी गेट पे इंतज़ार कर रही होती है अपने भाई तेजू के साथ और अब जैसे वो उसको लेकर आती है तो मतलब रंजी पूछता है कि तुम इसे क्यों लेकर आई अपने साथ में, अब आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। ही वॉन्ट्स टू स्टार्ट क्लाइंबिंग ट्रीज, वह पेड़ों पर चढ़ना स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है। मतलब तेजू जो कोकी है वो बताती है कि वो पूछता है जब क्यों तुम इसे लेकर आई, ठीक है, तो ये कहता है, वो कहती है कि ये पेड़ों पर चढ़ना चाहता है, ठीक है। सून दे वर इन द ऑर्चर्ड, जल्दी हुए ऑर्चर्ड में पहुंच गए, बागीचे में पहुंच गए। रंजी एंड कुकी हेल्प तेजू ऑन टू द ब्रांचेस ऑफ वन ऑफ द स्मॉलर ट्रीज एंड देन मेड फॉर अदर ट्रीज, ठीक है। रंजी और कुकी क्या किए, तेजू को एक छोटे से पेड़ पे जो जिस पे वो आसानी से चढ़ सके, उसकी एक छोटी से पेड़ के शाखाओं पे उसको बैठा दिया, चढ़ने में मदद कर दिया। उसके बाद दोनों अपने अलग अलग ट्रीज पे चढ़ गए। डिस्ट्रीब्यूटिंग अ पार्टी ऑफ पैरट्स हु फ्लू इन सर्कल्स अराउंड द ऑर्चर्ड स्क्रीमिंग देयर प्रोटेस्ट, डिस्टर्बिंग अ पार्टी ऑफ पैरट्स, मतलब एक तोतों की पार्टी को डिस्टर्ब कर दिया उन्होंने। हु फ्लू इन सर्कल्स, जो सर्कल्स में उड़ रहे थे अराउंड द ऑर्चर्ड, ऑर्चर्ड के बगीचे के चारों तरफ, स्क्रीमिंग देयर प्रोटेस्ट, क्या कर रहे थे, मतलब चिल्ला रहे थे अपने प्रोटेस्ट में, अपने बचाव में चिल्ला रहे थे। The two boys and a girl talking to each other from the different trees can make quite a lot of noise. दो जो लड़के तेजू और रंजी और एक लड़की कोकी जो कि मतलब थ्री डिफरेंट ट्रीज पे थे, वे एक दूसरे से बात कर रहे थे और काफ़ी ज़्यादा शोर भी मचा रहे थे। एंड इट वॉज ओनली द बर्ड्स हु वर डिस्टर्ब, और ये कुछ चिड़िया भी थी जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी, हु वर डिस्टर्ब, जो डिस्टर्ब हो रही थी उनसे, ठीक है, बाकी वहाँ पर कोई था नहीं, ये मतलब ये तीनों बात कर रहे थे जिनसे वो चिड़ियाँ डिस्टर्ब हो रही थी। दो दे डिड नॉट नो इट, द ऑर्चर्ड बिलोंग टू अ वेल्दी प्रॉपर्टी डीलर एंड ही एम्प्लॉयड अ वॉचमैन हुज ड्यूटी वॉज टू कीप अवे बर्ड्स, चिल्ड्रेन, मंकीज, फ्लाइंग फॉक्सेस एंड अदर फ्रूट ईटिंग पेस्ट्स, ठीक है। दो दे डिड नॉट नो इट, यद्यपि कि वे नहीं जानते थे, द ऑर्चर्ड बिलोंग टू अ वेल्दी प्रॉपर्टी डीलर, कि जो ऑर्चर्ड था, बगीचा था, वो किसी एक धनी प्रॉपर्टी डीलर के से बिलोंग करता था, मतलब उसका था। एंड ही एम्प्लॉयड वॉचमैन, उसने एक वॉचमैन रखा था, एम्प्लॉय किया था, हुज ड्यूटी वॉज टू कीप अवे बर्ड्स, जिसकी ड्यूटी थी दूर रखना बर्ड्स को, चिल्ड्रेंस को, मंकीज को, फ्लाइंग फॉक्सेस को और अदर जो फ्रूट ईटिंग पेस्ट्स होते हैं, मतलब फलों को चुरा के खाने वाले, ठीक है, या फलों को खा लेने वाले, उनको उनसे बचाने के लिए बगीचे को उसके लिए वॉचमैन रखा था उन्होंने। बट ऑन ए हॉट सल्ट्री आफ्टरनून, लेकिन गर्म तेज़ एकदम तेज़ गर्म चिलचिलाती हुई सल्ट्री में चिलचिलाती हुई आफ्टरनून में, गोपाल द वॉचमैन, जो गोपाल जिसका जो वॉचमैन था वहाँ का, कुड नॉट रेसिस्ट टेकिंग ए नैप, अपने आप को रोक नहीं सकता था अब एक छोटी सी नींद लेने से। ही वॉज स्ट्रेच आउट अंडर ए शैडी जैकफ्रूट ट्री, वह मतलब लेट जाता था अंडर ए शैडी जैकफ्रूट ट्री, एक छायादार जैकफ्रूट ट्री, मतलब वो जो आप कटहल होता है ना, कटहल के पेड़ के नीचे, स्नोरिंग सो लाउडली, खराटा लेते हुए काफ़ी तेज थे, दैट द फ्लाइज हु हैड बीन बजिंग राउंड हिम फेल्ड दैट ए स्टॉर्म वॉज ब्रीविंग एंड केप देयर डिस्टेंस, कि इस तरीके से वो तेज़ खराटे लेता था कि ऐसे लगता जो उसके चेहरे सर के चारों तरफ जो मक्खियाँ मिनाती थी उनको लगता था कि तूफान से आ रहा है, और वो क्या करती थी, जैसे वो बैठने जाती थी खराटे लेता था वो उड़ जाती थी, फिर जैसे वो बैठने जाती थी खराटे लेता उड़ जाती थी, तो उनको लगता था जैसे एक तूफान से चल रहा हो। ही वोक टू द साउंड ऑफ वॉइसेस रेज्ड हाई इन ग्ली, ठीक है, ही वोक टू द साउंड ऑफ वॉइसेस रेज्ड, सिटिंग अप ही ब्रश्ड द लेडी बर्ड फ्रॉम हिज लॉन्ग मोस्टेच, देन सीज्ड हिज लाठी, अ लॉन्ग स्टाउट स्टिक यूजुअली कैरिड बाई वॉचमैन,
ही वॉक टू द साउंड ऑफ वॉइसेस रेज्ड हाई इन ग्ली, मतलब काफ़ी तेज़ आवाज़ों की वजह से, जैसे बच्चे भी चिल्ला रहे थे, चिड़ियाँ भी चिल्ला रही थी, ठीक है, पैरट चिल्ला रहे थे, जिससे इन सारी तेज़ आवाज़ों से वो उठ गया, सिटिंग अप बैठ गया। ही ब्रश द लेडी बर्ड फ्रॉम हिज लॉन्ग मुस्टेज, उसने एक लेडी बर्ड को, लेडी बर्ड मतलब छोटी सी, छोटा सा इंसेक्ट होता है जो उसके मुस्टेज पे, मूछ पे आके बैठ गई थी, उसको हटाया वहाँ से, मूछ से। देन सीज्ड ही लाठी, फिर उसने अपनी लाठी खींची अपनी तरफ। लाठी क्या होती है, एक अ लॉन्ग स्टाउट स्टिक, एक लंबी मोटी मजबूत स्टिक होती है, यूजली कैरिड बाई वॉचमैन, जो कि वॉचमैन द्वारा रखी जाती है अपने साथ। हु इज़ देयर, वहाँ कौन है, ही शाउटेड, वो चिल्लाया, स्ट्रगलिंग टू हिज फीट, मतलब अपने पैरों पे लड़खड़ाता हुआ खड़ा हुआ। देयर वॉज ए सडन साइलेंस इन द ट्रीज, तभी अचानक से पेड़ों में एकदम से साइलेंस छा गया। देयर वॉज हु इज़ देयर, ही कॉल्ड अगेन, उसने हु इज़ देयर, वहाँ पे कौन है, उसने फिर से बोला। नो आंसर, आई मस्ट हैव बीन ड्रीमिंग, शायद मैं सपना देख रहा हूँगा, ही मटर्ड, अपने में फुसफुसाया। एंड वॉज प्रिपेयरिंग टू लाई डाउन एंड टू टेक अनदर नैप व्हेन तेजू हु हैड बीन वॉचिंग हिम बर्स्ट इनटू लाफ्टर, और तभी क्या हुआ, एंड वॉज प्रिपेयरिंग टू लाई डाउन, अभी तो लेट नहीं जा रहा था, एंड टेक अनदर नैप, दूसरा फिर से छोटी सी नींद लेने ही वाला था, तभी तेजू जो उसे देख रहा था खूब जोर जोर से चिल्ला के हंसने लगा। हो शाउटेड द वॉचमैन, वॉचमैन चिल्लाया, हो कमिंग टू लाइफ अगेन, मतलब फिर से, मतलब नींद से बाहर निकलते हुए। थीप्स आई विल सेटल यू, चोरों मैं तुमको अभी बताता हूँ, सबक सिखाता हूँ। एंड ही बिगेन स्ट्राइडिंग टूवर्ड द सेंटर ऑफ द ऑर्चर्ड, और उसने स्ट्राइडिंग मतलब पीछा करना, संघर्ष करना तो उनका पीछा करना। बोस्टिंग ऑल द टाइम ऑफ हिज फिजिकल प्रोवेस, ठीक है, अपने जितने भी पावर्स था, मतलब जितनी भी क्षमता थी अपने फिजिकल पावर, ठीक है, उसको यूज़ करते हुए उनका पीछा करने लगा। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ थीव्स, मैं चोरों से डरता नहीं हूँ, बंडित्स और वाइल्ड बीस्ट्स, या बंडित से या जंगली जानवरों से, ठीक है। आई विल हैव यू नो दैट आई वॉज वंस द रेसलिंग चैम्पियन ऑफ द एंटायर डिस्ट्रिक्ट ऑफ देहरा, मैं तुम्हें बता देना चाहूँगा कि मैं एक रेसलिंग चैम्पियन था, रह चुका हूँ एंटायर डिस्ट्रिक्ट ऑफ देहरा, देहरा के मतलब पूरे ज़िले में मैं ही एक ऐसा हूँ जो रेसलिंग चैम्पियन रह चुका है। कम ऑन आउट एंड फाइट मी विद इफ़ यू डेयर, मैं बाहर निकलो और मुझसे, मेरे से लड़ो अगर तुम्हारी हिम्मत है तो। रन हिस्ड कोकी, मतलब वो लगा पेड़ों पे खोजने, अब इतने एक दो पेड़ तो थे नहीं, पूरा बागीचा था, ऑर्चर्ड था, मतलब पूरा बागीचा रहा होगा, तो वो इधर उधर स्ट्राइडिंग करके मतलब संघर्ष करके खोजने लगा। रन हिस्ड कोकी, कोकी ने मतलब धीरे से कहा, भागो, स्क्रैम्बलिंग डाउन फ्रॉम हर ट्री, अपने पेड़ से उतरते हुए। रन शाउटेड रंजी, रंजी भी चिल्लाया, भागो, एज दो इट वर क्रिकेट मैच, जैसे कि एक जैसे क्रिकेट मैच चल रहा हो कि बॉल पकड़ने भागना है, ठीक है। तेजू वॉज सो स्टार्टल्ड बाय द सडन एक्टिविटी दैट ही स्टम्बल डाउन ऑफ हिस्ट्री एंड बिगेन क्राइंग, तेजू वॉज सो स्टार्टल्ड बाय द सडन, अचानक से वो लड़खड़ा गया, मतलब स्टार्टल में लड़खड़ाना, ठीक है, लुढ़कता हुआ नीचे चला आया, टम्बल डाउन आउट ऑफ ट्रीज, मतलब पेड़ों से लुढ़कता हुआ नीचे चला आया और रोने लगा। एंड रंजी एंड कोकी हैड टू गो टू हिज एड, और उसे रंजी और कोकी को उसे बचाने जाना पड़ा। द साइट ऑफ एन एनॉर्मस एक्स रेसलर बियरिंग डाउन ऑन देम वॉज इनफ टू मेक तेजू स्टॉप क्राइंग एंड गेट टू हिज फीट, जो मतलब साइट मीन्स व्यू, सीन जो था ऑफ एन एनॉर्मस, एक बड़े से विशाल से एक्स रेसलर जो पहले रेसलर रह चुका हो, उसके बियरिंग डाउन ऑन देम, उसके तरफ आता हुआ, उनके तरफ आता हुआ, वॉज इनफ, पर्याप्त था टू मेक तेजू, तेजू को बनाने के लिए स्टॉप क्राइंग, अपनी आवाज़ को मतलब चिल्लाना बंद करके, एंड गेट टू हिज फीट, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, मतलब रोना धोना बंद करके अपने पैरों पर तुरंत खड़ा हो गया, जैसे उसने देखा कि एक रेसलर उनकी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है। देन ऑल थ्री वर फ्लिंग अक्रॉस द ग्रोव, ठीक है, और सब के सब तीनों के तीनों जो फ्लिंग मतलब भाग निकलना, ठीक है, अक्रॉस द ग्रोव, ग्रोव से वहाँ से भाग निकलें। द वॉचमैन ए लिटिल वे बिहाइंड देम वेविंग हिज लाठी एंड शाउटिंग एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, जो वॉचमैन था अ लिटिल वे बिहाइंड देम, उनसे काफ़ी कुछ ही दूरी पे था, वेविंग हिज लाठी, अपनी लाठी को घुमाता हुआ एंड शाउटिंग एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, और खूब तेज़ी से चिल्लाता हुआ, ठीक है, उनका पीछा करने लगा। ऑल्दो ही वॉज एन एक्स रेसलर, यद्यपि वो बहुत मतलब रेसलर रह चुका था, और परहैप्स बिकॉज ऑफ इट, और शायद इसके वजह से, ही कुड नॉट रन वेरी फास्ट, वो तेज़ नहीं दौड़ सकता था, जैसे रेसलर्स होते हैं ना, पहलवान बहुत वेटी होते हैं, मतलब उनका बहुत ज़्यादा भार होता है, ठीक है, जिस वजह से वो दौड़ नहीं सकता था। एंड वॉज स्टिल हफिंग एंड पफिंग सम 20 मीटर्स बिहाइंड देम व्हेन दे क्लाइम्ब अप एंड ओवर द वॉल, ठीक है, और वो
मतलब ही कुड नॉट रन वेरी फास्ट एंड वॉज स्टिल हफिंग एंड पफिंग, मतलब किसी तरह से दौड़ता हुआ हाफता हुआ ठीक है उनके मतलब लगभग 20 मीटर दूरी पे ही उनसे, अभी वो मतलब उनसे 20 मीटर दूरी पे था कि वो दीवार के पास पहुंच गए, उस पर चढ़ गए और कूद करके भाग गए। ही कुड नॉट क्लाइम वॉल्स इधर, और वो दीवार को कूद भी नहीं सकता था क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मतलब रेसलर जो होते हैं ना दिखते हैं वो क्या आप काफ़ी ज़्यादा वेट होता है, वो दीवार पर चढ़ नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते काफ़ी तेज़ ठीक है। तो बच के निकल गए, दे रैन ऑफ इन डिफरेंट डायरेक्शंस, वे डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में भागे बिफोर रिटर्निंग होम, घर लौटने से पहले। नेक्स्ट डे रंजी मेट कोकी एंड तेजू एट द फार एंड इन द रोड, इज ही देयर आस्क्ड कोकी। नेक्स्ट डे अगले दिन रंजी और कोकी, रंजी जो है कोकी और तेजू से मिला रोड के किसी एक किनारे पर ठीक है। इज ही देयर आस्क्ड कोकी, कोकी ने उसे पूछा कि क्या हुआ वहाँ है, मतलब वो जो रेसलर है वहाँ है ठीक है। तो आगे क्या हुआ इसको जानने के लिए हम कल फिर आएंगे, डिस्कस करेंगे इस चैप्टर को, तब तक आप भी थोड़े से ईगर रहिए ठीक है, और चैप्टर को खुद से पढ़िए अभी तक जितना पढ़ा, और जितने भी न्यू वर्ड्स मिले उन्हें आप लर्न करिए, राइट डाउन कीजिए, बुक कॉपीज़ में लिखिए और उन्हें लर्न करने की कोशिश करिए। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।